दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर लाइव वॉलपेपर को किस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि किस तरीके से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर लाइव वॉलपेपर को लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर लाइव वॉलपेपर को लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा सिंपली आपको उसी स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर लाइव वॉलपेपर को लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लाइव वॉलपेपर को लगा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी लैपटॉप की जो वॉलपेपर है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे था तो मैं सोचा कि अपने तिरंगे को अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर एज ए वॉलपेपर के तौर पर लगाया जाए, और काफ़ी मेरी जो वॉलपेपर है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर आपको अपने नेट से एक्सेस कर लेना है। नेट से एक्सेस कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को आपको ओपन कर लेना है। बेसिकली आजकल सभी लोग विंडो 10 के ऊपर आ चुके हैं और विंडो 10 को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेना है। अगर आप इसके अंदर अकाउंट नहीं बनाया तो आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को इसके अंदर बना रखा है, और यहाँ पर आपको सर्च बार का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर आना है, और आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है लाइव वॉलपेपर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने में पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर मेरे को लॉन्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपकी जो भी एनिमेशन वीडियो होगी जो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के वॉलपेपर के ऊपर लगाना चाहते हो, तो सिंपली उसके फॉर्मेट को चेंज करना होगा। जिस तरीके से मैं इस एनिमेशन वीडियो को अपने लैपटॉप के वॉलपेपर के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो इसके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप देख सकते हो इसकी जो फाइल फॉर्मेट है वो MP4 में है, इसको WMV में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स आती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च बार में आना है, और सिंपली यहाँ पर टाइप करना है ऑनलाइन वीडियो कन्वर्टर। तो जैसे ही आप ऑनलाइन वीडियो कन्वर्टर टाइप करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा, और इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर आकर के क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्ट अ वीडियो फाइल, यहाँ पर आकर के आपको क्लिक करना है, और आपकी जो भी एनिमेशन वीडियो होगी सिंपली आप उसको जो है अपलोड करके आप उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी कोई भी जो हमारी एनिमेशन वीडियो होती है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मैं सबसे आपको बेहतरीन ऑप्शन आपको बता रहा हूँ जो कि हमेशा 100% करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको जो है फिल्मोरा को डाउनलोड कर लेना है। फिल्मोरा को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अगर आप फिल्मोरा को चलाना नहीं जानते तो आप यहाँ पर सीख जाएंगे, ठीक है। आपको इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको जो यहाँ पर ओपन कर लेना है फिल्मोरा को। फिल्मोरा को ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपकी जो भी एनिमेशन वीडियो होगी उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी एनिमेशन वीडियो होगी यहाँ पर आकर के सेव हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर आकर के आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस टाइमलाइन पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1080p सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे MP4, WMV, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें यहाँ पर सिंपली WMV करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर WMV सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको जो भी नेम देना है आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जहाँ कहीं भी सेव करना होगा आप सिंपली यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप रेजोल्यूशन देख सकते हो, FPS देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा। एक्सपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर होगा। इसको आप जो है छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से ये जो है रेंडरिंग होता है, ठीक है।
तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मेरा जो है पूरा जो है प्रोसेस हो चुका है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों क्लोज कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आना है, और आने के बाद डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर को आपको सिंपली यहाँ पर आकर के क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर का पेज ओपन नहीं हुआ है। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आना है, और आने के बाद सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर का पेज ओपन यहाँ पर हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर ब्राउज फोल्डर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पर आकर के क्लिक कर लेना है। और आपने जहाँ कहीं भी एनिमेशन वीडियो को सेव करके रखा आपको सिंपली वहाँ पर आना होगा। तो मैं दिस पीसी में आया और डी ड्राइव में मैंने ऑलरेडी सेव करके रख लिया है इसको, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर के ओके किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ओके किया, और ओके करने के बाद जो मैंने वहाँ पर वीडियो को सेव कर रखा था वो यहाँ पर वीडियो आ चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है कि जो भी एनिमेशन वीडियो होगी यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप उसको क्लोज कर दीजिए। दोस्तों इसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर आना है, और आने के बाद इस डेस्कटॉप लाइव वॉलपेपर को आपको यहाँ पर आकर के एग्जिट कर देना है। एग्जिट कर लेने के बाद आपकी जो भी वॉलपेपर होगी आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिस तरीके से मैं पहले वाला वॉलपेपर को सेलेक्ट करूँगा जो कि मेरा इंडियन फ्लैग है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर लाइव वॉलपेपर लगा सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों में, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।